हेलो पीपल, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस क्वेश्चन को करवाने का जो रीज़न है बेसिक, वो ये है कि आपको मैं रेशियो मेथड अप्लाई करना सिखा पाऊँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेशियो मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चैप्टर में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है वो 95% आपके रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, और आई वुड से बहुत कम टाइम में। तो आज का गाइस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे गुड्स ट्रेन है ना, इसको ट्रेन मान लेंगे हम ए, और एक्सप्रेस ट्रेन को मान लेंगे हम ट्रेन बी। तो जहाँ पे भी गुड्स है वो मैं ए ट्रेन कर देता हूँ, और एक्सप्रेस ट्रेन को मैं मान लेता हूँ ट्रेन बी। थोड़ा समझाने में इजी रहता है। ओके, तो हमारे पास दो ट्रेन है बेसिक, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ गाइस। ट्रेन ए लीव्स द स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एंड एट अ फिक्स स्पीड। आफ्टर 6 आवर्स ट्रेन बी लीव्स द सेम स्टेशन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन बी कैचेस अप द ट्रेन ए इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी टाइम पे और किसी स्पीड पे ट्रेन ए किसी स्टेशन से निकलती है, उसके निकलने के 6 घंटे बाद, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6 घंटे के बाद, ट्रेन ए के निकलने के 6 घंटे के बाद ट्रेन बी निकलती है, जो कि सेम डायरेक्शन में, सेम स्टेशन से निकली है और सेम डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इसका जो स्पीड हमें दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड हमारे पास है। अब क्या बोलता है कि जो ट्रेन बी है ये ट्रेन ए को क्या कर रही है, कैचअप कर रही है, मतलब पकड़ लेती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो पहले मेरे को ये बताओ कि अगर ट्रेन बी ने ट्रेन ए को पकड़ लिया तो इन दोनों ट्रेन में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ट्रेन बी ने ट्रेन ए को पकड़ा, इसका मतलब ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी ट्रेन ए से। तभी पकड़ा ना, जब हम किसी को टेक ओवर करते हैं तो उस टाइम पे हमारी स्पीड ज़्यादा होती है ना। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप आइडिया लगाओ तो ट्रेन ए की जो स्पीड बनेगी वो 90 से कम बनेगी, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में देखो 45 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर। ये सभी ऑप्शन 90 किलोमीटर से कम है, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर इन चारों में कोई स्पीड 90 से ज़्यादा होती तो हम उसको क्या कर देते, निगलेक्ट कर देते कि वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी ट्रेन ए है इसने कितने घंटे सफ़र किया, इसका टाइम देखेंगे। तो लिखते हैं हम, तो ट्रेन ए का जो टाइम है, इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कितना आया, ट्रेन ए का जो टाइम है, देखो ट्रेन ए ट्रेन बी 6 घंटे के बाद चली, तो 6 घंटे तक कौन सी ट्रेन चली होगी, ट्रेन ए चली होगी, तो 6 घंटे तो इसने यहाँ से लिए, ठीक है। फिर 4 घंटा और भी चली, क्योंकि बी तो सिर्फ कितना घंटा चल रही है, बी तो सिर्फ 4 घंटा चल रही है, ठीक है। अगर बी 4 घंटा चल रही है तो ए भी तो फिर 4 घंटा चली होगी, क्योंकि तभी बी ने उसको क्या किया, कैचअप किया। तो ए का जो टोटल टाइम आया वो कितना घंटा आया, ए 6 घंटा तो यहाँ से चली और 4 घंटा यहाँ से चली, तो ए का जो टाइम आया टोटल वो आया 10 आवर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो ट्रेन हमारी बी है वो कितना घंटा चली, वो तो यार सिर्फ कितने घंटे चली है, 4 घंटे चली है, तो इसका जो टोटल टाइम आया वो आया 4 आवर्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि रेशियो मेथड कैसे लगाना आपने, तो जिस जो मेथड समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझना गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड क्या बोलता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप स्पीड का रेशियो लिख सकते हो,
और अगर आपके पास स्पीड है तो आप टाइम का रेशियो लिख सकते हो, क्योंकि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब टाइम ज़्यादा स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा टाइम कम। आप घर से 50 किलोमीटर की स्पीड में निकले और आपका दोस्त 20 किलोमीटर की स्पीड में निकला, तो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा? आपके दोस्त को, क्योंकि उसकी स्पीड कम है और टाइम उसको क्या लग रहा, क्या लगेगा? ज़्यादा। और आपकी स्पीड कितनी है? 50, तो आपको कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा स्पीड टाइम कम, कम स्पीड ज़्यादा टाइम। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टाइम का एग्जैक्ट टाइम, जो हमारे पास ओरिजिनल टाइम है, उसको मैं टी से लिखूँगा। तो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने, बीच में रेशियो लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। तो ए का जो टोटल टाइम है एग्जैक्ट, ये जो टाइम है ये है एग्जैक्ट, मतलब जो ओरिजिनल है। तो ए का कितना है? उसको लगा 10 घंटा, तो यहाँ पे लिखोगे आप 10 रेशियो का रेशियो। बी का कितना है एग्जैक्ट टाइम? 4। अच्छा, अब बनाओगे आप रेशियो। अब यहाँ पे आपने स्मॉल टी से रेशियो बना देना है, ठीक है? रेशियो का टाइम लिखना है, दैट्स वाई मैंने इसको स्मॉल टी कर दिया। तो कैसे बनाएंगे रेशियो? 10 को और 4 को एक कॉमन नंबर से काट दो। एक कॉमन नंबर से काट दिया 5, 2 से काटा तो 5 आ जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2। अब इन 5 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही इनका जो लीस्ट रेशियो निकल के आएगा, 5:2। अच्छा, हमारे पास टाइम का रेशियो है, मैंने आपको बोला अगर आपके पास टाइम का रेशियो है तो आप स्पीड का रेशियो लिख सकते हो। और स्पीड का रेशियो कैसे लिखते हैं हम? जस्ट इसका रिवर्स। तो टाइम का रेशियो हमारे पास है तो हम स्पीड का रेशियो कैसे लिखेंगे? जस्ट इसका रिवर्स। यहाँ 5:2 है तो हमारा स्पीड का क्या बन जाएगा? 2:5। 2 को यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अच्छा, हो गया आपका इतना, इतना समझ आया होगा आपको। अब क्या है कि हमेशा मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कुछ ना कुछ रियल वैल्यू दे के रखी होती है क्वेश्चन में, और आपको अपनी एक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है, और आपको अपनी रेशियो की वैल्यू उस गिवन वैल्यू के साथ क्या करनी पड़ती है? कंपेयर करनी पड़ती है, और आपको फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन मतलब क्वेश्चन में हमारे पास बी का स्पीड दे के रखा था। हाँ, बी का स्पीड कितना दे के रखा था? 90 किलोमीटर। और यहाँ से देखो बी का स्पीड कितना निकला है, बी का स्पीड कितना निकला है, ये देखो स्पीड का रेशियो लिखा ना मैंने, ये कितना निकला है? 5 निकला है। और टाइम को मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? तो बी का यहाँ से देखो टाइम का रेशियो तो 2 है, और बी का यहाँ टाइम का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो कितना है बी का? 5। और बी की स्पीड यहाँ पे कितनी है? 90। तो हमारा जो 5 है वो किसके बराबर हमने, हमें इक्वेट करना होता है 90 के बराबर। तो बी का जो स्पीड को स्पीड के इक्वल ही इक्वेट करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम होता तो मैं टाइम के साथ इसको इक्वेट करता। यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्पीड दे के रखा है गिवन क्वेश्चन में, तो मैंने स्पीड को स्पीड के साथ इक्वेट किया। हमारी वाली रेशियो को, रेशियो की जो वैल्यू है बेसिकली, उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया? जो गिवन रियल वैल्यू थी। ओके, तो 5 का वैल्यू 90 है, इनको बराबर कर दिया। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 को नीचे ले जाएंगे और 5 की जगह क्या रह जाएगा? 1। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, और 90 के नीचे क्या आ जाएगा? 5। और इसको काट दो तो 18 के साथ कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? एक का वैल्यू आ गया 18। अगर एक का वैल्यू 18 है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा? एक का वैल्यू 18 है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा? 5 का वैल्यू आएगा 5 × 18। और 2 का वैल्यू कितना आएगा? 2 × 18। तो एग्जैक्ट स्पीड जो बनेगी हमारे पास अब, वो कितनी बन जाएगी? रियल स्पीड कितनी बन जाएगी हमारे पास? रियल स्पीड को मैं कैपिटल एस के साथ डिनोट कर रहा हूँ। ये कितनी बन जाएगी? 18 × 36, और ये कितनी बन गई? 90 किलोमीटर पर आवर। ये देखो बी का स्पीड कितना निकल आया? 90, और 90 दे के रखा था। और ए का कितना निकल आया रियलिटी में, ओरिजिनल स्पीड? 36 हो गया, हो गया 36 और 90। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 36 किलोमीटर पर आवर।
आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, स्पीड को स्पीड के साथ इक्वेट करेंगे, टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करेंगे। अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन में पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस मेरे भाई आप कैसे निकालोगे, यहाँ से रेशियो मेथड से? तो डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? देखो, आप चाहे लेफ्ट वाली साइड से निकालो, चाहे राइट वाली साइड से निकालो, चाहे ए की तरफ से निकाल लो, चाहे बी की तरफ से निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस जो है, चलो मैं ए की तरफ से निकाल रहा हूँ, इस वाली तरफ से, ठीक है, ए वाली, ए की साइड से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो ए का स्पीड कितना है मेरा? 36 ओरिजिनल स्पीड, और ए का ओरिजिनल टाइम कितना है? वो है 10। ओके, यहाँ पे 5 मत कर देना, 10 ओरिजिनल तो हमारे पास था ना, 10, तो इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। तो ए की तरफ से कितना आया डिस्टेंस हमारा? 360 किलोमीटर। अगर यही डिस्टेंस मैं बी की तरफ से निकालूँ तो कैसे निकलेगा? बी की तरफ से, तो बी का स्पीड कितना है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है बी का? 90। ओरिजिनल को ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशियो को रेशियो की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, हम ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम। बी का ओरिजिनल वैल्यू स्पीड का कितना है? 90, और बी का जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना है? 4। तो 90 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आप चाहे इस वाली साइड से निकालो, चाहे डिस्टेंस आप यहाँ से निकालो, तो डिस्टेंस क्या आएगा? इट वुड बी सेम, विच इज़ इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। और स्पीड ऐसे निकालते हैं। आई होप आपको ये मेरा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेशियो मेथड का, आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है, तो आपका जो सेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब आएगा, तब आप देख सकते हो उस चीज़ को। अभी जो आपको, आपका जो सेशन चल रहा है, बेसिकली वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं करवा रहा हूँ आपके डिफेंस के लिए। तो आप बस फॉलो करते रहो, और आपको जो मैं मेथड दूंगा ना, वो धांसू मेथड दूंगा, और आप अपना एग्ज़ाम फोड़ के आओगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो आएगी, वो मेरा लंबा वीडियो आएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आपके लिए, और वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आलतू फालतू क्वेश्चन मैं आपको पता है पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें बहुत रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। या सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगेगा तो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।